डन। मेरी टीम तो तैयार है, और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अब तीन मैच की सीरीज का फायदा या नुकसान ये होता है कि जिसने पहला बार जीत लिया वो सीरीज जीत जाता है। भारत के सामने चुनौती है कि कल इस सीरीज में बने रहने के लिए जीत जरूरी है, उसके बाद फिर तीसरे मैच में आप जीतेंगे तो ही इस फॉर्मेट को जीत पाएंगे। लेकिन सवाल कई है भारत के सामने। अब सवाल यही है कि उन सवालों का जवाब क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले मैच में भारत को न सिर्फ हार मिली है बल्कि कुछ पोल भी खुली, खासतौर से गेंदबाजी को लेकर, क्योंकि विराट ने खुद माना हमारे पास तो पार्ट टाइमर ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि रातों रात पार्ट टाइमर्स पैदा हो जाएंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या में एक ऑलराउंडर के तौर पर जो इन्वेस्ट किया था अब वो सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं, और एक गेंदबाज का ऑफ डे भारत के दिक्कत पैदा कर सकता है। ये अलग बात है कि कल चार गेंदबाजों का ऑफ डे हो गया था, लेकिन हार के 40 घंटे बाद क्या भारत तैयार है? आज मेरे साथ रहेंगे वर्ल्ड चैंपियन हरभजन सिंह। भज्जू कल भी थे, कल बड़े निराश हुए भारत के खेल को लेकर, खासतौर से गेंदबाजी की आपने बात की थी, और मैं आपसे अब यह जानूंगा कि वापसी कैसे करनी है। लेकिन वापसी करने के लिए विराट को तय करना होगा कि टीम ने जो जो गलतियां की थी पहले मैच में क्या उनसे निजात पाई जा सकती है। देखिए, जो आपको पहले मैच में विकेट दिखी है उसकी बिना पर आप यह कह सकते हैं कि आपको वनडे में T20 में पाटे विकेट मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन यहीं पर शायद गेंदबाजों ने गलती की, क्योंकि आप जो इतना पीछे गेंद फेंकते हैं वहीं पर पिटाई हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में आपको छोटा गेंद नहीं फेंकना है, ऑस्ट्रेलिया में आपको थोड़ा आगे गेंद फेंकना है ताकि बल्लेबाज को ड्राइव वाली लेंथ मिले, लेकिन यही गलती भारत ने की कल। अब देखें, ये बुमराह के एक विकेट पे 73 रन 10 ओवर में, नवदीप 83 रन, चहल 89, जडेजा 63, ये सताता है। मेरे साथ हरभजन है, और बच्चों मैं आपसे आपको याद कराऊं कि जिस टीम में आप लोग खेला करते थे उसमें सचिन बॉल करते थे, उसमें सहवाग बॉल करते थे, उसमें युवराज सिंह बॉल करते थे, उसमें सुरेश रैना बॉल करते थे, दादा भी उससे पहले बॉल करते थे। अब आपके पास ऑलराउंडर नहीं है। विराट ने कल कह दिया कि भी ऑलराउंडर नहीं है, हमने हार्दिक में इन्वेस्ट किया था, अब हार्दिक जो है वो वर्ल्ड कप्स में ही शायद गेंद करेंगे, वो बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे। पार्ट टाइमर्स की बात हो रही है, पार्ट टाइमर कौन है? विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, क्या आप इनसे रिस्क ले सकते हैं? देखिए, भारतीय टीम इस वक्त जरूर हार्दिक पांड्या की बॉलिंग को मिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो बॉलिंग कर पाते तो फिर बहुत ज्यादा जो है वो इजाफा हो सकता था भारतीय टीम को, क्योंकि किसी भी बॉलर का खराब दिन हो सकता है तो आपके पास एक छठा बॉलर होना चाहिए जो आके 4-5 ओवर 6 ओवर डाल सके, तो जो कि इस समय भारतीय टीम में वो नहीं है। पर जैसे आपने कहा है कि वो विकल्प कौन हो सकता है, तो वो मेरी नजर में तो विराट कोहली हो सकते हैं 3-4 ओवर के लिए। श्रेयस अय्यर को कभी मैंने बॉलिंग करते हुए देखा नहीं, तो मैं कहूंगा नहीं कि वो बड़े अच्छे विकल्प हो सकते हैं, पर आपको थोड़ी सी एज ए कप्तान या फिर आपको अपने बॉलरों से बात करनी होगी, जो 5 आपके प्रीमियर बॉलर खेल रहे हैं उनको खुद पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और मेक श्योर करना होगा कि वो अपने कोटे के ओवर जो है वो अच्छे करें। तो एज ए बॉलर आपका दिन खराब जरूर जा सकता है, बट अगर 3 बॉलर्स का खराब जाता है तो फिर छठे बॉलर की जरूरत पड़ती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि 4 में से अगर 5 बॉलर आपके खेल रहे हैं तो 4 का दिन अच्छा जाए, 1 का दिन अगर खराब भी जाता है, अगर 10 ओवर में 70-80 रन पड़ते हैं जो कि इस फील्ड रिस्ट्रिक्शन जो नई जो रूल्स हैं उसमें किसी के भी जा सकते हैं, तो फिर वो मैनेजेबल है क्योंकि आपके 4 बॉलरों ने अच्छा किया है। बट अगर आपके 5 में से 3 बॉलरों का खराब दिन जाएगा तो फिर हमेशा 350 के ऊपर वाला टोटल जो है वो भारतीय टीम को चेस करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये हमारे जितने 5 बॉलर खेलेंगे उनको अपने ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो अच्छे अपने 10 ओवर कैसे भारतीय टीम के लिए निकाल के दें। सही बात है, और लोगों को ये समझना होगा कि जब हम हार्दिक पांड्या की बात करते हैं तो उनके टीम में जगह को लेकर बात नहीं होती, उन्होंने बल्लेबाज के तौर पर शानदार पारी खेली, लेकिन जब वो सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे और चूंकि 5 साल भारत ने एक ऑलराउंडर के तौर पर उन्हें इन्वेस्ट किया है तो फिर अब आपके पास ऑलराउंडर नहीं है। कल उन्होंने कहा कि जी मैं एग्जॉस्ट नहीं होना चाहता हूं, मैं वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप देखूंगा कैसे गेंद कर सकता हूं, लेकिन अब ऑलराउंडर रातों रात पैदा नहीं होंगे, ये तो भारत को भज्जू इस दौरे से पहले पता था, ऐसा नहीं है कि कल मैच के बाद पता चला। और ये भी फैक्ट है कि आप चूंकि 6 बैट्समैन हैं, 7-8-9-10-11 में आपको 7 नंबर पर जडेजा चाहिए, आप कुलदीप और चहल को एक साथ नहीं खिला सकते। अगला सवाल मेरा ये है कि जो ये पिछले 1 हफ्ते में जो कुछ हो रहा था इंजरीज को लेकर,
टीम कल बॉडी लैंग्वेज के तौर पर कप्तान ने भी माना बड़ी बिखरी बिखरी लगी, क्योंकि बैटिंग आपकी अच्छी ना हो, बॉलिंग आपकी अच्छी ना हो, वो ठीक है, खराब दिन आते हैं, कैच छोड़ने चार चार, फील्डिंग क्या ये ऑफ द फील्ड तो नहीं दिख रहा फील्ड के ऊपर? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जो ऑफ फील्ड डिस्ट्रक्शंस हैं वो मैदान में कोई भी खिलाड़ी लेके जाता है, क्योंकि जब मैदान पे उतरते हो तो सबसे पहले आप ये चीज याद रखते हो कि आपका खुद का जो एक स्तर आपने हासिल किया है उससे बेटर आपने कैसे क्रिकेट खेलनी है और टीम को कैसे आगे लेके जाना है। और नोइंग विराट कोहली, ही वुड फॉरगेट एवरीथिंग कि जो मैदान के बाहर चल रहा है, और जब वो ग्राउंड के अंदर उतरते हैं तो वो एक ही चीज हासिल करने के लिए उतरते हैं कि कैसे अपनी परफॉर्मेंस को और आगे बढ़ाया जाए, टीम को कैसे आगे लेकर जाया जाए। हाँ, जो चीजें हो रही हैं मैदान से बाहर वो मुझे लगता है कि शायद वो बेटर तरीके से हैंडल हो सकती हैं, जो कि नहीं हुई है, बट आई एम श्योर आगे आने वाले समय में मैं यही देखना चाहूंगा कि जो चीजें मैदान के बाहर हो रही हैं वो अच्छे से हैंडल हो, ताकि हमें कोई भी किसी तरीके से ये कोई सवाल ही ना। लेकिन अब सवाल ये है कि विराट कोहली को 23 पारियां हो गई हैं 100 बनाए, मतलब रातों रात ट्रांसफॉर्मेशन विराट में हो जाती है, हम सब जानते हैं, लेकिन वो बल्लेबाज जो आए दिन जब चाहे 100 लगाता था 100 के लिए तरस रहा है। और विराट ने खुद कल माना कि अगर वो बड़ी पारी खेलेंगे तो भारत को जीत का रास्ता, जीत की चाबी मिल ही जाएगी। हकीकत यह है कि इस दौरे से पहले ना ऑस्ट्रेलिया के जो दिग्गज हैं उन्होंने विराट की ईगो को चैलेंज किया, भाई विराट बहुत बड़े प्लेयर हैं, बड़े अटैकिंग क्रिकेटर हैं, विराट ये कर देंगे वो कर देंगे, और शायद कल की पारी में ये लग रहा था कि विराट साबित करना चाहते हैं मैं हूं विराट कोहली, ये उनका खेलने का अंदाज नहीं है जो कल दिखा। लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी वो हैं कि उन्हें भी एहसास होगा अगर वो वक्त लेंगे तो शायद वक्त भारत का बदल सकता है। खैर, रात 8 बजे का वक्त है जी, आपकी डायरी में लिखा होता है, हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक को आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कल की हार से बड़े निराश हैं, जीतना कैसे है ये सब आप ही बताइए ना फॉर्मूला, हम लोग जुड़ेंगे, आपके सवाल भी होंगे। YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को फटा सब्सक्राइब कीजिए और रात 8 बजे जुड़ जाइए हमारे साथ। बाकी कल मैच है और मैच पर आज तक और स्पोर्ट्स तक दोनों पर कवरेज इसी तरह से चलती है।